पूर्णिया प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्णिया इकाई के द्वारा 28 मई को संगठन के सभी सदस्य धरने पर बैठे। ये धरना कार्यक्रम पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी अवस्थित माउंट कार्मेल स्कूल के कार्यालय सभागार में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने किया और सभी ने अपने मांगों के समर्थन में आवाजें बुलंद की। धरने की खास बात यह रही कि सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन न हो सके। इनकी मांगे हैं कि निजी विद्यालयों के आरटीई कोटे का सत्र 2017-18 एवं 2019-20 का बकाया राशि यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। लॉकडाउन के कारण 13 मार्च 2020 से बंद पड़े विद्यालयों को यथाशीघ्र खोलने का आदेश निर्गत किया जाए। लॉकडाउन अवधि का निजी विद्यालयों का बिजली बिल यथाशीघ्र माफ करने का आदेश जारी किया जाए। लॉकडाउन अवधि में बंद पड़े निजी विद्यालयों की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक समस्या पैकेज की घोषणा की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर एसोसिएशन के लोगों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की। अभी सारे चीज़ लगभग जो है जितने दुकान हैं या प्राइवेट ऑफिस हैं या सरकारी ऑफिस सब कुछ खोल दिया गया है, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार का गाइडलाइन क्यों नहीं आ रहा है। हम लोगों का संस्थान 13 मार्च से ही बंद पड़ा हुआ है और सारे विद्यालय में जो भी मेंटेनेंस खर्च है, चाहे वो विद्यालय का किराया हो या कर्मियों का वेतन हो या बैंक लोन हो, बिजली बिल हो, सारा चीज़ भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन उसके एवज में स्कूल भी नहीं आ रहा है। हम लोगों के यहाँ प्राय निजी विद्यालय में मार्च महीने में जो एनुअल एग्ज़ाम होती थी उसी टाइम में लगभग जितने भी गरीब तबके के या मध्यम वर्गीय अभिभावक उसमें भुगतान करते थे। इस बार कोरोना के कारण सारे विद्यालय में एनुअल एग्ज़ाम नहीं हो पाई, लोगों का पिछला ही पैसा नहीं आ पाया और अप्रैल से तो एक पैसा भी नहीं आ रहा है, जिसके कारण सारे विद्यालय का ये स्थिति हो चुकी है। कुछ शिक्षक तो भूख के कारण उनका मौत भी हो गया कुछ राज्यों में और काफ़ी स्थिति दयनीय हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि ऑड इन वन या सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन जारी करते हुए विद्यालयों को यथाशीघ्र खोल दे, जिससे कि निजी विद्यालय जो जिस पर के अभी शिक्षा का पूरा भार है वह कम से कम बचा रहे। जब से आरटी लागू हुआ है 2011 से तो उसमें है प्रवेश कक्षा में 25% छात्र हम लोगों को जो है जो कि अवंचित वर्ग के हैं या निर्धन छात्र हैं उनको हम लोगों को मुफ्त में पढ़ाना पड़ता है और सभी विद्यालय पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी जो है वह मात्र एक बार 16-17 का जो है पैसा हम लोग प्रतिभूति राशि मिली थी, लेकिन 17-18 से उसके पहले भी बहुत स्कूलों का लगभग आधा स्कूलों का जो है आपको 13-13 से ही लगातार बाकी है, उसको हम लोग यथाशील भुगतान करने के लिए धरना बैठे हैं। साथ ही साथ जो 13 मार्च से स्कूल बंद पड़े हुए हैं उसको जो है यथाशील खोलने का आदेश दिया जाए और इस लॉकडाउन की अवधि में जो बिजली बिल वगैरह जो है जो स्कूल का आ रहा है उसको सरकार माफ़ करने का आदेश दे और इसको जो है जो इतना क्षतिपूर्ति हुआ है सारे स्कूल को लोन ले करके या जहाँ से व्यवस्था करके जो टीचरों को सैलरी देना पड़ रहा है उस शिक्षक कल्याण को देखते हुए उसको कुछ आर्थिक सहायता पैकेज घोषित करे। जी सर, ऑनलाइन शिक्षा तो हो रही है लेकिन बहुत सारे बच्चे का घर जो है देहात में है, वो पूर्णिया आकर के लॉज में हो या फिर अपना व्यवस्था करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ नेट का व्यवस्था नहीं है। अगर है भी तो एक छोटा सा मोबाइल में बच्चे को पढ़ाने से उसका आई इफेक्ट काफ़ी गड़बड़ हो रहा है और इससे बहुत जल्द ही बच्चे का आँख पे इफेक्ट पड़ जाएगा और बच्चा का मामला बहुत ही गड़बड़ होते जा रहा है। इसीलिए ये ऑनलाइन क्लास वो कभी कभी हो तो उसके लिए सही है, बच्चों को भी मनोरंजन लगता है, लेकिन पर डे ये क्लास होना किसी हद तक सही नहीं है। इस पे विचार विमर्श तो बड़े बड़े साइंसदान कर ही रहे हैं और खुद ही सबको मालूम है इस मैटर पे। इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि ऑफलाइन जी ऑफलाइन क्लास हो, कुछ ना कुछ हो। इससे ये है कि आज प्राइवेट स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो भी बेरोजगार भटक रहे हैं और बच्चे भी जो अपने घर में रह करके पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो गए हैं 3 महीने से। पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को, बस इसी चीज़ का मांग है।
इनका यह मानना है कि सरकार के लॉकडाउन लगाए जाने से इन्हें काफ़ी क्षति हुई है और सरकार के जो निर्देश इन्हें दिए गए हैं उसके अनुकूल इन्हें कुछ छूट भी मिलनी चाहिए। कोसी आलोक बेरो पूर्णिया।